हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बीपी सीसीएचएन के रिगार्डेड, सीएचओ ब्रिज कोर्स के रिगार्डेड और सीएचओ ट्रेनिंग के रिगार्डेड कम्प्लीटली सेशन, जिसके अंदर आपने देखा काफी सारे सेशन हम ले चुके हैं और काफी सारे सेशन के अंदर आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दिया गया है। यानी फर्स्ट पेपर आपको कम्प्लीटली मोल्डेड करके दे दिया गया है, सारे ब्लॉक आपको मोल्डेड करके दे दिया गया है। सेकंड पेपर के रिगार्डेड आपको फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक भी मोल्डेड करके आपको अवेलेबल करवा दिया है। यानी सारा कुछ मटेरियल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट था, सारा कुछ आपको अवेलेबल करवा दिया है। आज के इस सेशन के अंदर अपन नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, दैट इज आपका फोर्थ ब्लॉक होगा। और फोर्थ ब्लॉक आपका न्यू बोर्न और चाइल्ड से रिगार्डेड होगा। न्यू बोर्न और चाइल्ड केयर से रिगार्डेड है, यानी कि न्यू बोर्न के रिगार्डेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उससे रिगार्डेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। उसके अलावा चाइल्ड हेल्थ केयर या चाइल्ड से रिगार्डेड जो भी केयर प्रोवाइड की जाती है, रूटीन केयर प्रोवाइड की जाती है, इमीडिएट केयर प्रोवाइड की जाती है, उससे रिगार्डेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कंप्लीटली इसके अंदर अपन जानकारी लेंगे, कंप्लीटली क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पूरे ब्लॉक को मोल्डेड करके देंगे। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है, सारे कुछ क्वेश्चन अपन इसमें सोल्व करेंगे। तो कंप्लीटली बने रहेगा जीवन एजुकेशन के साथ और कंसंट्रेशन के साथ क्लास को लीजिएगा, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। और जो भी कैंडिडेट अभी क्लास में जुड़ चुके हैं, सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक पहुंच जाए। और मेरा टारगेट है सभी तक सेशन पहुंचाना, सभी तक कंटेंट पहुंचाना, सभी तक इजीली क्वेश्चन पहुंचाना, ताकि सभी अपनी प्रिपरेशन को इजीली कर सके। चलेगा, इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे न्यू बोर्न से रिगार्डेड सारे एस्पेक्ट, न्यू बोर्न से रिगार्डेड केयर, इमीडिएट केयर, रूटीन केयर, सब कुछ यहां पर अपन डिस्कस करेंगे। उसी के साथ चाइल्ड से रिगार्डेड जो भी कॉमन कंडीशंस होती है, कॉमन इलनेस कंडीशंस होती है, लाइक डायरिया आपने देखा होगा, प्री मेच्योरिटी आपने देखा होगा, LBW आपने देखा होगा, उसके अलावा जॉइंटिस आपने देखा होगा, उसके अलावा माल न्यूट्रिशन आपने देखा होगा। तो कंप्लीटली पूरा सेशन आपको, पूरा मॉड्यूल्स आपको मोल्डेड करके मैं देने वाला हूं, पूरा मॉड्यूल। और मैं बता दूं आपका एग्जाम मॉड्यूल से सेट होगा, बाहर से कोई सेट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इधर उधर से कोई सी भी बुक्स पढ़ ले तो मत पढ़िएगा, मैं टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल मत पढ़िएगा। केवल और केवल आपका मॉड्यूल्स के रिगार्डेड क्वेश्चंस पढ़िएगा, जो कि मैं बिल्कुल मॉड्यूल से घुमा फिरा के नहीं, मॉड्यूल से ही उठाकर क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहा हूं, मॉड्यूल से ही, बिल्कुल मॉड्यूल्स को मोल्डेड करके आपको दे रहा हूं। बस कंटिन्यूअसली बने रहेगा और कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। मेरा टारगेट है सभी मॉड्यूल्स को कंप्लीट करवाना, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, केवल दो या तीन मॉड्यूल्स आपके बचे हैं, जिसके अंदर आपका फोर्थ ब्लॉक आज स्टार्ट कर रहा हूं। और फोर्थ ब्लॉक को एक या दूसरे सेशन के, दो सेशन मान के चलेगा, दो सेशन में आपका फोर्थ ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। फिर फिफ्थ ब्लॉक है उसको एक सेशन में फिनिश करेंगे और सिक्स ब्लॉक को कंबाइंडली फिर एक साथ लेंगे, फिर प्रीवियसली पेपर के एग्जाम अपन सॉल्व करेंगे, प्रीवियसली एग्जाम के जितने भी पेपर हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है सभी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, और एक बार से जो भी जुड़ चुके हैं सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी सेशन का बेनिफिट ले सके। चलेगा, मैं सेशन स्टार्ट करता हूं, बिना टाइम वेस्ट के सेशन को स्टार्ट करता हूं। सेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको टाइमिंग दिया जाएगा, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है और अपना सेल्फ इवोल्यूशन करना है। साथ ही आप सबके रिगार्डेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैं अभी क्लास के बीच में दे दूंगा या एंड में दे दूंगा, लेकिन अभी स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि सेशन काफी बड़ा होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी मजेदार होने वाला है, तो कंटिन्यूअसली बने रहिएगा। चलेगा, पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, पहला क्वेश्चन मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया है, एक बार से लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं लाइक शेयर जरूर करना है, ताकि सभी तक पहुंचे। और जो भी कैंडिडेट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा हूं ना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन मिलते रहे, क्योंकि इसी तरीके से कंटेंट यहां पर अवेलेबल करवाया आप सबको पता है, करीब चार महीने से क्लासेस कंटिन्यू डेली अप टू डेट क्लासेस आपको अवेलेबल हो रही है। चलेगा, मैं सेशन स्टार्ट करता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग वैसे भी नहीं है, कम है, बहुत कम है, क्योंकि 25 फरवरी आ चुकी है, आपका एग्जाम आने ही वाला है, बस प्रिपरेशन आपको करनी है। चलेगा, पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, व्हाइल द अप्लाइंग सक्शन फॉर द एक्सेसिव सीक्रेशन इन द न्यू बोर्न, विच पार्ट नीड टू बी सक्शन फर्स्ट। देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये, आप सक्शन कर रहे हो किसके अंदर, न्यू बोर्न बेबी के अंदर सक्शन कर रहे हो। अगर न्यू बोर्न बेबी के अंदर एक्सेसिव सीक्रेशन हो रहा है और न्यूबोर्न बेबी के अंदर आप सक्शन कर रहे हो, तो किस पार्ट को सबसे पहले आप सक्शन करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है। मान के चलेगा इमीडिएट केयर आप प्रोवाइड कर रहे हो, यानी बेबी अभी डिलीवर्ड हुआ है, बेबी का बर्थ हुआ है, बर्थ होते ही बेबी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, सक्शनिंग कर रहे हैं। वैसे तो आप सबको पता है यहां पर इमीडिएट केयर के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, आप बेबी को क्या करते हैं, सबसे पहले ड्राई करते हैं। ड्राई किस लिए करते हैं, ताकि हाइपोथर्मिया ना हो। हाइपोथर्मिया क्योंकि वेपराइजेशन होता है वहां पर, क्या होता है, वेपराइजेशन होने के कारण से क्या होता है, हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, ड्राई कर लेते हैं, फिर
सिक्रेशन वगैरह जो भी होते हैं उनका सक्शन कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल सिंपल, ऐसी तरीके से करते हैं। और आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, चलेगा? यहां पर देखिएगा क्या क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्वेश्चन सॉरी पहला क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये कहा है कि आप एक बेबी है, न्यूबोर्न बेबी है, उसके अंदर सिक्रेशन हो रहे हैं, एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहे हैं और आप सक्शन कर रहे हो, तो किस पार्ट को, किस बॉडी पार्ट को सबसे पहले आप सक्शन करेंगे? पहला ऑप्शन देखेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। माउथ को करेंगे, सेकंड ऑप्शन यहां पर नोज को करेंगे, थर्ड ऑप्शन यहां पर देयर इज नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, और फोर्थ ऑप्शन है बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ सिक्रेशन। हम अमाउंट देखेंगे कि सिक्रेशन कितना कहां पर किस पार्ट के अंदर हो रहा है, उसका हम क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, उम्मीद है आप सबको याद होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियसली बीपीसीसीएचएन के रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उसके अलावा जिसने भी नर्सिंग हिस्ट्री के कंपटीशन हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। चलेगा चलेगा, अगर इस क्वेश्चन का अगर अपना आंसर देखें, इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर यहां पर माउथ होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। माउथ को सबसे पहले क्या करेंगे आप, माउथ को सबसे पहले क्या करेंगे, सक्शन करेंगे, यानी सबसे पहले आप माउथ को सक्शन करेंगे, उसके बाद आप नोज को सक्शन करेंगे, ये याद रख लीजिएगा, पहले माउथ फिर नोज। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, सर एम आता है, इसलिए हम पहले ही इसको करेंगे, याद रखने के लिए बता रहा हूं, अल्फाबेट हर जगह काम में नहीं आएगा, केवल याद रखने के लिए बता रहा हूं। माउथ को पहले सक्शन करते हैं, उसके बाद नोज को सक्शन करेंगे, यानी पहले मुंह को सक्शन करेंगे फिर नाक को सक्शन करेंगे, याद रहेगा, इंपोर्टेंट है, याद होना चाहिए। सक्शन अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको किसको दोगे, किसको दोगे, माउथ को दोगे, बिल्कुल याद रखना चाहिए। इमीडिएट केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले सक्शन किसको करेंगे, माउथ को करेंगे, क्या करेंगे जी, बिल्कुल माउथ को सक्शन करेंगे, याद रहे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले माउथ को करेंगे फिर नोज को करेंगे, याद रहे। याद नहीं रहता है तो अल्फाबेट में पहले एम आता है या एन आता है, तो सबसे पहले अल्फाबेट में एबीसीडी जो अपन पढ़ते हैं उसके अंदर एम आता है फिर एन आता है, यानी पहले किसको करेंगे, माउथ को करेंगे, फिर किसको करेंगे, नोज को करेंगे, याद रहे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेगा, सबको पता होगा, सबको पता होगा इसका फुल फॉर्म एनआईसीयू, एनआईसीयू का स्टैंड फॉर, एनआईसीयू का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, एनआईसीयू का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, जल्दी से आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखेगा न्यूबोर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, सेकंड ऑप्शन है न्योनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, थर्ड ऑप्शन है न्यूबोर्न इमीडिएट केयर यूनिट, और फोर्थ ऑप्शन है न्योनेटल इमीडिएट नियोनेटल इमीडिएट केयर यूनिट। चलेगा, आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, क्या है यहां पर थर्ड ऑप्शन क्या है, न्यूबोर्न इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट केयर यूनिट, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर नियोनेटल इंटरमीडिएट केयर यूनिट। चलेगा, आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, आंसर दीजिएगा, एनआईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जल्दी कीजिएगा, उम्मीद करता हूं सभी को याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद रखेगा, आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। चलेगा, सबसे पहले अगर बात करें यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, क्या होता है जी, ऑप्शन नंबर बी होता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होते, एनआईसीयू को क्या कहते हैं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंपल सा, काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है टेम्परेचर ऑफ लेबर रूम, लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जल्दी से आंसर बताएगा, और आपको याद हो तो बीपीसीसीएचएन के अलावा आपने जो कंपटीशन एग्जाम दिया था राजस्थान सीएचओ ने, उनके एग्जाम में भी एज इट इज क्वेश्चन आया था कि लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होता है, आपको याद हो तो, नहीं याद है तो याद रखिएगा। चलेगा, लेबर रूम का टेम्परेचर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर देखिएगा 25 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड ऑप्शन देखिएगा 28 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड,
और सी ऑप्शन देखिएगा 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और फोर्थ ऑप्शन है 40 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड। चलेगा आंसर आपको देना है, लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होता है, जनरली आप सबको याद होना चाहिए, भूलना नहीं है, लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। चलेगा, लेबर रूम शुड बी वार्म, लेबर रूम कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, याद रहना चाहिए आपको, भूलना नहीं है। यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 25 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड लेबर रूम का टेम्परेचर होता है, याद रहना चाहिए। ठीक है, याद रहना चाहिए, लेबर रूम का टेम्परेचर 25 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए, वार्म रहना चाहिए, ताकि बेबी को हाइपोथर्मिया से बचाया जा सके। किससे, हाइपोथर्मिया से, क्योंकि हाइपोथर्मिया होने की संभावना ज्यादा होती है लेबर के कारण, लेबर के दौरान या लेबर के बाद जैसे ही बेबी बर्थ होता है तो उसके अंदर हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं, इसलिए लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यानी मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, याद रहना चाहिए, बोलना नहीं है। चलेगा, यहां पर एक बात और आपको मैं बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलेगा, एक बात और मैं आपको यहां पर बता दूं, देखिएगा, अगर हम बात करें इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबोर्न की, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबोर्न की अगर अपन बात करें, तो अकॉर्डिंग टू आपके मॉड्यूल की बात अगर अपन करें, अकॉर्डिंग टू आपके मॉड्यूल्स की बात करें, तो सबसे पहले जो केयर प्रोवाइड की जानी है, सबसे पहले जो केयर प्रोवाइड की जानी है, वो कौन सी केयर प्रोवाइड की जानी, देखिएगा, लिखा हुआ है हेडिंग में, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी एट द टाइम ऑफ द बर्थ, बर्थ का टाइम होते ही सबसे पहले कौन सी केयर प्रोवाइड करनी होगी, सबसे पहले कौन सी केयर प्रोवाइड करनी होगी, तो सबसे पहले आपका आंसर जाएगा कॉल आउट द टाइम ऑफ द बर्थ एंड सेक्स ऑफ द बेबी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, यही आपका आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू आपके मॉड्यूल, और यही आपके एग्जाम में माना जाएगा अगर क्वेश्चन आया तो। और प्रीवियसली बीपीसीसीएचएन के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी आया होता कि इमीडिएट केयर आप क्या प्रोवाइड करेंगे, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न आप क्या प्रोवाइड करेंगे, तो उसके अंदर ऐसा भी ऑप्शन था कॉल आउट द टाइम ऑफ बर्थ, ऐसा भी ऑप्शन आपको मिला था। लेकिन अगर अपन जनरली बात करें, तो सबसे पहले जो केयर प्रोवाइड की जाती है ना, वो सबसे पहले केयर प्रोवाइड की जाती है कि एयरवे क्लियर करवाना पड़ता है। क्या करवाते, एयरवे क्लियर करवाते, बेबी का जैसे ही बर्थ हुआ, बेबी का जैसे ही क्या हुआ, बर्थ हुआ, बर्थ होते ही बेबी को जैसे ही रिसीव किया, रिसीव करने के बाद क्या किया जाता है, उसका एयरवे क्लियर करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, एयरवे क्लियर करवाया जाता है। उसके बाद उसके अंदर अपगार स्कोरिंग आती है, अपगार स्कोरिंग आती है, उसको परफॉर्म किया जाता है। इमीडिएट केयर के लिए रिगार्डेड मैंने ऑलरेडी एक सेशन, अच्छा खासा सेशन बना रखा है और अवेलेबल करवा रखा है आपके लिए, ताकि आप इजीली उनको पढ़ सके। तो अपगार स्कोरिंग करवाई जाती है, उसके बाद आपकी जो अम्लाइकल कोड है, अम्लाइकल कोड कटिंग है, वो करवाई जाती है। देन आफ्टर आपको बेबी को वार्म करना होता है, बेबी को वार्म करना होता है, और वार्म करने के बाद उसके बाद आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाया जाता है, फिर विटामिन के और आई मेडिकेशन अवेलेबल करवाई जाती है। तो ये केयर प्रोवाइड की जाती है जनरली अगर एक्चुअली अपन बात करें तो। लेकिन अकॉर्डिंग टू आपके मॉड्यूल्स की अगर अपन बात करें, और आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग याद रखना है, सबसे पहले जैसे ही बेबी को रिसीव किया जाता है, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कॉल आउट द टाइम ऑफ द बर्थ, ये आपको याद रखना है, और यही ऑप्शन आपको सही से बताना है, क्योंकि आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग यही सही है, और आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर माना जाएगा। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, याद रहना है बस। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाए तो बिल्कुल सही आंसर लगाइएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियसली बीपीसीसीएचएन के एग्जाम में, इसलिए बताना जरूरी समझा। चलेगा, मैं वापस आ जाता हूं अपने सेशन पर, यहां से उम्मीद है आपको याद होना चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लिया है। लेबर रूम का जो टेम्परेचर होता है जनरली 25 से लेकर 28 यानी 25 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और वार्म रहना चाहिए, ताकि बेबी को क्या नहीं हो, हाइपोथर्मिया नहीं हो, हाइपोथर्मिया से बेबी को बचाया जा सके। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा, यहां पर ये पूछा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी लॉस ऑफ द बर्थ वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि जो बेबी है, नॉर्मल बेबी जो जिसका बर्थ हुआ है, उसके फर्स्ट वीक में उसका कितना परसेंट वेट है जो कि लॉस हो जाता है। पढ़ा होगा जनरली आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर कि जैसे ही बर्थ, बेबी का बर्थ हुआ, तो बेबी बर्थ होने के बाद फर्स्ट वीक में उसका क्या होता है,
वेट लॉस होता है, उसके अंदर क्या होता है, वेट लॉस देखने को मिलता है, तो कितना परसेंट वेट लॉस उसका होता है, जल्दी से आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट 1%, सेकंड ऑप्शन है 5%, थर्ड ऑप्शन है 10% और फोर्थ ऑप्शन है 20%। चलेगा, जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ है तो उसका कितना परसेंट वेट लॉस होता है फर्स्ट वीक के अंदर, कितना परसेंट वेट लॉस होता है फर्स्ट वीक के अंदर, तो आपको आंसर देना है। चलेगा, अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 10% बेबी का क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है, 10% वेट लॉस हो जाता है बेबी का। ठीक है, तो याद रखिएगा, बर्थ वेट, अगर बेबी का बर्थ वेट जितना भी है उसका 10% वेट लॉस हो जाता है, कब, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में। क्यों हो जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बेबी की जो किडनी होती है ना वो इमेच्योर होती है, बेबी की किडनी जो होती है वो इमेच्योर होती है, और इमेच्योर बेबी की किडनी क्या करती है, वेट लॉस करवाती है। और अप्रोक्सीमेटली कितना वेट लॉस हो जाता है सर, 10% वेट लॉस हो जाता है, कितना हो जाता है, 10% वेट लॉस हो जाता है। तो फिर आप कहेंगे कि सर 10% वेट लॉस हो जाता है तो ये वापस से कब हो जाता है, वापस से रीगेन कब होता है, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखेगा, वापस से ये रीगेन होता है नेक्स्ट 1 to 2 वीक में, 1 to 2 वीक के अंदर ये वापस से रीगेन हो जाता है। और उसके अंदर भी अगर प्रायोरिटी देखे तो एक वीक के नेक्स्ट फर्स्ट वीक के अंदर वापस से क्या हो जाता है, ये 10% वेट वापस से रीगेन हो जाता है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10% वेट लॉस हो जाता है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ के अंदर, जो कि एक या दो वीक के अंदर वापस से क्या हो जाता है, रीगेन हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बेबी की क्या होती है, किडनी इमेच्योर होती है, बेबी की किडनी क्या होती है, इमेच्योर होती है, जिसके कारण से बेबी का वेट लॉस होता है। चलेगा, यहां तक उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सिंपल सा है, न्यू बोर्न रेस्पिरेशन रेट इन 1 मिनट, बताइएगा न्यू बोर्न बेबी है उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, 1 मिनट के अंदर पर मिनट के अकॉर्डिंग न्यू बोर्न बेबी की रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, आंसर आपको देना है, जल्दी से आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन यहां पर 30 रेस्पिरेटरी या 30 बीट पर मिनट, सेकेंड है 40 बीट पर मिनट, थर्ड ऑप्शन है 24 बीट पर मिनट और फोर्थ ऑप्शन है 35 बीट पर मिनट। चलेगा, जल्दी से आपका आंसर बताइएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की बात करें एक न्यू बोर्न के अंदर, तो वो होती हैं आपकी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 40 बीट पर मिनट होता है, कितना, 40 ब्रीथ पर मिनट होता है। याद रखिएगा, कितना, 40 ब्रीथ पर मिनट। अगर नॉर्मली अपन बात करें तो 30 से लेकर 40 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल मानी जाती है, 30 से लेकर 40 ब्रीथ पर मिनट यहां पर नॉर्मल मानी जाती है। याद रखिएगा इंपोर्टेंट है 30 से लेकर 40 ब्रीथ पर मिनट इंपोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, 30 से लेकर 40 ब्रीथ पर मिनट एक न्यू बोर्न की बात की जा रही है, ये नॉर्मल मानी जाती है। और काफी जगह आपको देखने को मिलेगा कि ये 40 से लेकर 60 तक भी नॉर्मल मानी जाती है, काफी अलग जगह आप अगर दूसरी बुक किसी अलग बुक के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर ऐसा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जनरली अगर अपन कहें तो ये 30 से लेकर 40 तक जनरली ये मानी जाती है। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू एज ऑफ बेबी ये रैपिड ब्रीथिंग देखने को मिल सकती है। अगर यहां पर जनरली अपन कहें ना, तो न्यू बोर्न बेबी के अंदर अगर ब्रीथ रेट अगर कितनी हो जाए, 60 ब्रीथ पर मिनट हो जाए, कितनी हो जाए, 60 ब्रीथ पर मिनट या उससे ज्यादा हो जाए, तो अपन उसको क्या कंसिडर करते, फास्ट ब्रीथिंग कंसिडर करते। किसकी बात कर रहा हूं, न्यू बोर्न की बात कर रहा हूं। 2 साल से ज्यादा की अगर बात करें ना, अगर बेबी टू ईयर से ज्यादा का है तो उसमें फास्ट ब्रीथिंग 50 को ही मानते हैं। 50 से अगर ज्यादा हो जाए तो उसको क्या मानते हैं, फास्ट ब्रीथिंग मानते हैं। याद रखिएगा, न्यू बोर्न की बात करें तो 60, और अगर अकॉर्डिंग टू एज अपन बात करें कि न्यू जो बेबी है वो 2 साल से ज्यादा का है तो फिर उसके अंदर फास्ट ब्रीथिंग जनरली अपन 50 से भी ज्यादा मान लेते हैं। 50 से ज्यादा होते अपन उसको फास्ट ब्रीथ में क्या कर देते हैं, कंसिडर कर देते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। तो
यहां तक बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का तो कितना हो जाता है, 40 ब्रीथ पर मिनट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, 6 नंबर। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा, ब्रेस्ट फीडिंग इज इनिशिएटेड। चलेगा, ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, बेबी का बर्थ हुआ, जस्ट अभी बेबी की डिलीवरी हुई है, मान के चलेगा बेबी की डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है, अब बेबी डिलीवर हो चुका है तो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइमिंग के अंदर करवा देना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है प्रीवियसली, और आपने जो एग्जाम देकर आज बीपीसीसीएचएन कर रहे हैं वहां पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा यहां पर अगर बात करें तो पहला ऑप्शन देखेगा यहां पर, विद इन हाफ एन हावर ऑफ बर्थ, सेकेंड ऑप्शन है आफ्टर वन हावर बेबी बर्थ, थर्ड ऑप्शन है आफ्टर प्लेसेंटल सेपरेशन, और फोर्थ ऑप्शन है आफ्टर 24 hour, आफ्टर 24 hour। चलेगा आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन, सभी से क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है, आंसर आपको देना है, फटाफट से बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है, बेबी का बर्थ हुआ, बेबी के बर्थ होने के बाद कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। चलेगा उम्मीद है सभी को याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद रखेगा, सबसे पहला अगर ऑप्शन यहां पर ढूंढे ना तो यहां पर ऑप्शन नहीं है, यहां पर ऑप्शन नहीं है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एज सून एज पॉसिबल करवा देनी चाहिए, एज सून एज पॉसिबल क्या करवा देनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो विद इन 30 मिनट्स हमें क्या करवा देनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करवा देनी चाहिए, अगर 30 ऑप्शन में नहीं है तो विद इन हावर एक घंटे के अंदर हमें क्या करवा देनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करवा देनी चाहिए। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है, देखिएगा एज सून एज पॉसिबल नहीं है, 30 मिनट यानी वन हाफ आवर यहां पर है, यानी आधे घंटे में यानी 30 मिनट के अंदर हमें क्या करवा देनी चाहिए, बेबी को ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवा देनी चाहिए, याद रखिएगा। बाकी अगर एज सून एज पॉसिबल है तो फिर एज सून एज पॉसिबल आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंसर देंगे, उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो 30 मिनट रखेंगे, और 30 मिनट नहीं मिलता है तो 1 hour आप रख सकते हैं, याद रहे तीनों ही कंडीशन मैंने यहां पर बता दी, कैसा भी ऑप्शन मिले ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। तो याद रखेगा या तो एज सून एज पॉसिबल आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करेंगे, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो, एक नॉर्मल लेबर हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप एज सून एज पॉसिबल करवाएंगे, उसके बाद अगर ऑप्शन में एज सून एज पॉसिबल नहीं है तो 30 मिनट यानी आधा घंटा हाफ आवर आप करवा सकते हैं, अगर वो भी ऑप्शन में नहीं तो 1 hour आप करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी डाटा मैंने यहां पर क्लियर करवा दिए, आपको याद होना चाहिए। यहीं पर एक क्वेश्चन और मैं आपसे करवा दूं, यहीं पर एक क्वेश्चन और क्लियर करवा देता हूं, देखिएगा अगर बेबी की डिलीवरी हुई है सी सेक्शन बोले तो सीजेरियन सेक्शन से, ऑपरेशन से, बेबी की डिलीवरी कैसे हुई है, ऑपरेशन से हुई है, तो फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग कब करवाएंगे बेबी को, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी, बिल्कुल आपका आंसर रहेगा 3 to 4 hour में आपको बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो एज सून एज पॉसिबल या हाफ आवर या 1 hour में करवा देते हैं, अगर सीजेरियन सेक्शन सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, 3 to 4 hours का टाइमिंग होता है, 3 to 4 hours के अंदर उसको क्या करवा देनी चाहिए होती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा देनी चाहिए होती है। तो याद रखिएगा यहां से मैंने क्वेश्चन क्लियर करवा दिए हैं, और सभी क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आपको याद होने चाहिए, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, 100% रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक दी जाती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जानते हो ना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि केवल और केवल बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ही दी जा रही है, और बेबी को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, दैट इज नोन एज
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये कब तक कितने महीने तक दी जानी होती है? पहला ऑप्शन यहाँ पर देखेगा 3 मंथ तक ये होती है, सेकेंड ऑप्शन देखेगा 6 मंथ तक होती है, थर्ड ऑप्शन देखेगा 10 मंथ तक होती है और फोर्थ ऑप्शन देखेगा 12 मंथ तक होती है। चलेगा अब आंसर आपको देना है कितने महीने तक, कितने मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए। चलेगा आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपन देखेंगे। चलेगा यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात अपन करें तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक दी जाती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक दी जाती है। अब सबको याद होगा यहीं से अपने प्रीवियसली क्वेश्चन के अंदर LAM पढ़ा था, याद है क्या? याद है क्या? भूल गए? लैक्टेशनल एमिनोरियल मेथड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल यही है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं बेबी को, उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं और इसके कारण से आपका LAM देखने को मिलता है। याद रहे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा उम्मीद है याद रहेगा, बोलना नहीं है। 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ द इन्फेंट कैन बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ, देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब देना स्टार्ट करना है अभी को, किसको? इन्फेंट को। बताइए कोई इन्फेंट यानी बेबी है उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब देंगे, कितने टाइमिंग में उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना स्टार्ट करेंगे? आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट है यहां पर 6 मंथ, ऑप्शन सेकंड यहां पर 9 मंथ, ऑप्शन थर्ड यहां पर 10 मंथ और ऑप्शन फोर्थ है यहां पर 12 मंथ। चलेगा आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से मतलब क्या समझते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से मतलब ये समझते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा एक्स्ट्रा फीड देना, ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा क्या करना? एक्स्ट्रा फीड देना। एक्स्ट्रा फीड बोले तो फॉर्मूला मिल्क देना, एक्स्ट्रा फीड बोले तो सूप वगैरह देना। बिल्कुल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीड तो वही होता है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा भी अगर कुछ देना है सब्सटेंस, अगर कुछ देना है जैसे कि कोई सूप बनाकर दे दिया, कोई एक तरीके से एक्स्ट्रा जो फॉर्मूला मिल्क आता है वो दे दिया, ये सारे किस में आते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के अंदर आते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब करवानी चाहिए होती है? देखिएगा 6 मंथ तक तो आपकी क्या करवाई जाती है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। 6 मंथ तक तो आपकी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट होगी? सर 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद स्टार्ट होनी चाहिए। कितने महीने के बाद स्टार्ट करनी चाहिए? 6 मंथ के बाद स्टार्ट करनी चाहिए। तो याद रखिएगा अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो 6 मंथ तक अवेलेबल करवाई जाती है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात करें तो जैसे ही आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का टाइमिंग कंप्लीट होता है वैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इसका भी 6 मंथ ही आंसर होगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, और जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं एक बार से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंचे, क्योंकि मेरा टारगेट भी पूरा होना चाहिए। मेरा टारगेट जो मैं लेकर चल रहा हूं तभी सभी तक सेशन पहुंचा ना, वो भी पूरा होना चाहिए, तभी मजा आता है, तभी मजा आता है क्लास को लेने में, तभी मजा आता है सेशन को पढ़ने में। चलेगा और जो भी कैंडिडेट पहली बार सेशन पर विजिट कर रहा है उस सेशन को जरूर से लाइक शेयर कीजिएगा, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिले। उसके अलावा आपके लिए अनाउंसमेंट हो रखी है, आप सबको पता है मिशन एजुकेशन ऐप पर BPCCHN के अलावा एक तो पहले टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई थी जिसके टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एक टेस्ट जो कि कल ही आपके लिए अनाउंस कर दी गई है, कल ही आपके लिए अनाउंस कर दी गई है, जहां पर आपको डेली पेपर मिलेगा, जहां पर आपको डेली मॉडल पेपर मिलेगा BPCCHN के लिए। बिल्कुल 7 मॉडल पेपर उसके अंदर रखे गए, 7 मॉडल पेपर उसके अंदर रखे गए, जो कि 7 दिन का महासंग्राम माना जान लिया। और आगे बात करें इसके अंदर फर्स्ट पेपर के रिगार्डेड, पहला पेपर जो है उसके अंदर 3 पेपर सेट किए, पहले पेपर के लिए 3 पेपर सेट किए और काफी इंपोर्टेंट पेपर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखेगा। सेकेंड पेपर के लिए 4 पेपर सेट किए हैं और ये आपके पेपर स्टार्ट हो चुके 18 फरवरी से और डेली आपको पेपर देखने को मिलेगा।
और डेली आपको पेपर देखने को मिलेगा। याद रखेगा पूरा 7 पेपर का सेट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, डेली ऑनलाइन पेपर देखने को मिलेगा, इसीलिए प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ती है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा है पढ़ तो कितना भी लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की ना तो मजा नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस भी करनी होगी। इसीलिए जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है, मिशन एजुकेशन ऐप पर ही आपको अवेलेबल मिल जाएगा, इसके रिगार्डेड सारी अपडेट वहां पर है। अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरीज आपको रहती है तो वहां पर इसी टेस्ट सीरीज के अंदर ही आपको एक मेल आईडी दी हुई है, मेंशन की हुई है, उस मेल आईडी पर अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं या फिर आपके ऐप के अंदर ही हेल्प डेस्क है वहां पर अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं और वहां से क्वेश्चन आपका पुट अप कर सकते हैं कि क्या आपको करना चाहिए। चलिएगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो जरूर से इसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, वापस आ जाते हैं अपने सेशन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है द इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन द ब्रेस्ट मिल्क। चलिएगा आंसर बताएगा, काफी इंपोर्टेंट है। इम्यूनोग्लोबिन कौन सी, इम्यूनोग्लोबिन क्या है सर, एक प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या है सर, एंटीबॉडी है। प्रोटीन क्या है यहाँ पर, इम्यूनोग्लोबिन क्या है, एंटीबॉडी है। तो जल्दी से आपको आंसर बताना है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी यानी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है, आईजी पाई जाती है। चलिएगा आंसर दीजिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर आईजीए, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर आईजीएम, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर आईजीई, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर आईजीडी। चलेगा आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन वहां पर प्रेजेंट होती है। आंसर आपको देना है जल्दी से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, अगर हम बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन की तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है दैट इज आपकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आईजीए मिलती है। क्या मिलती है जी, आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर मिलती है। और आप सबको पता होगा क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्या हो गया, आईजीए हो गया। क्या हो गया जी, आईजीए हो गया जो कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा एक इम्यूनोग्लोबुलिन होती है आईजीजी जो कि प्लेसेंटा को क्या कर देती है, क्रॉस करती है। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है, ऐसी एंटीबॉडी जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है दैट इज आईजीजी, और उसके अलावा जो ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है दैट इज आईजीए। दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, दोनों ही आपको याद रखने हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा है देखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा है, 10 नंबर क्वेश्चन है, सिक्रीशन फ्रॉम द मदर ब्रेस्ट फॉलोइंग द डिलीवरी। जैसे ही डिलीवरी हुई है और डिलीवरी होने के बाद ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट हो रहा है, ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट हो रहा है तो उस मिल्क को हम क्या बोलेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, सिक्रेशन फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट, मदर के ब्रेस्ट से सिक्रेशन हो रहा है फॉलोइंग द डिलीवरी, डिलीवरी होते ही ब्रेस्ट से क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, तो उस सिक्रेशन को हम क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन है यहां पर सेडेस्ट्रम कहेंगे, सेकंड ऑप्शन है यहां पर लोकिया कहेंगे, थर्ड ऑप्शन है कोलेस्ट्रम कहेंगे, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ल्यूकोरिया कहेंगे। चलिएगा आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है। After the birth या followed the delivery, after the birth of the baby या followed the delivery, अगर मदर्स के ब्रेस्ट से सिक्रेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे। चलेगा यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन कहे, तो उस सिक्रेशन को अपन जनरली कोलेस्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे जी, उस सिक्रेशन को हम जनरली क्या कहेंगे जी, कोलेस्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, कोलेस्ट्रम कहेंगे, जो कि जनरली कितने दिनों तक सीक्रेट होगा, जनरली 1 to 3 days, 1 to 3 days तक ये सीक्रेट होगा। अगर बात करें तो जनरली कह सकते हैं बेबी का जो मदर का आफ्टर डिलीवरी मदर का जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है फर्स्ट फ्यू डेज वो मिल्क होता है कोलेस्ट्रम। अगर बात करें तो उसका जो कलर होता है जनरली येलोइश होता है, कैसा होता है, येलोइश कलर उसका होता है, और वो थिक देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, थिक देखने को मिलता है, याद रहे। और उसके अंदर अगर अपन बात करें तो हायर अमाउंट में उसमें आईजीए प्रेजेंट होता है, हायर अमाउंट में उसमें फैट सोल्यूबल विटामिन्स मिलती है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स उसके अंदर मिलती है। कौन कौन सी सर, ए डी ई के,
ए डी ई के फैट सोल्युबल विटामिन उसके अंदर जनरली मिलती है। उसके अलावा सर प्रोटीन हायर अमाउंट में उसके अंदर मिलती है, तो ये सारे न्यूट्रेटिव वैल्यूज उसके अंदर होती हैं। इसीलिए कोलेस्ट्रम बेबी को फीड करवाना जरूरी होता है, इसीलिए कोलेस्ट्रम फीडिंग देनी चाहिए ताकि सारे न्यूट्रेंट्स बेबी को अवेलेबल हो जाए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट ही देखेगा, 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फीडिंग शुड बी स्टार्टेड इन केस ऑफ डिलीवरी बाय द सीजरियन सेक्शन। चलेगा इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा ताकि आगे बढ़े, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलेगा क्वेश्चन सिंपल सा है कि अगर डिलीवरी हुई है सी सेक्शन से यानी सीजरियन सेक्शन से अगर डिलीवरी हुई तो बेबी को कितने टाइम पीरियड के अंदर क्या करवाना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। तो आंसर क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन यहां पर 30 मिनट, सेकेंड ऑप्शन है यहां पर 1 मिनट, थर्ड ऑप्शन है यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 30 मिनट, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर 1 आवर, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर 3 आवर, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर 4 आवर। चलिएगा आंसर आपको दीजिएगा, आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर सीजेरियन सेक्शन हुआ है, सीजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुई है बेबी की, तो ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम पीरियड में आप करवाएंगे। चलेगा इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन दे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कितना देंगे सर, 4 आवर देंगे। सर 4 आवर के अंदर विद इन 4 आवर में बेबी को क्या करवा देंगे अपन, ब्रेस्ट फीडिंग करवा देंगे। याद रखिएगा विद इन 4 आवर में बेबी को क्या करवाएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, याद रखिएगा इंपोर्टेंट है। चलेगा लाइक शेयर करते रहेगा सेशन को ताकि सभी तक पहुंचता रहे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है विच न्यूट्रेंट इज ऑफन गिवन टू द इन्फेंट एट बर्थ। कौन सा न्यूट्रेंट बेबी को देना चाहिए, कौन सा न्यूट्रेंट बेबी को देना चाहिए, बेबी की डिलीवरी हुई है अभी जस्ट बेबी की डिलीवरी हुई है, डिलीवरी होते ही बेबी को क्या देना चाहिए, आंसर देना है। पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी में आंसर जाएगा ना वही देंगे, बाकी आप कहेंगे सब देंगे सर, सब देंगे उसको, बेबी को प्रोटीन भी दे देंगे, विटामिन भी दे देंगे, आयरन भी दे देंगे, विटामिन के भी दे देंगे, सब दे देंगे। तो स्पेशली पूछा है कि क्या देंगे, कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे प्रायोरिटी में देंगे। चलेगा पहला ऑप्शन यहां पर प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है यहां पर विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन है यहां पर आयरन, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर विटामिन के। चलेगा आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन देखें, बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन देखें तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या देंगे सर उसको, विटामिन के देंगे। सर विटामिन के क्यों देंगे जी, विटामिन के क्यों देंगे, क्योंकि सर उसके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट द ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लीडिंग टेंडेंसी को प्रिवेंट करने के लिए बेबी को क्या देंगे, विटामिन के देंगे, विटामिन के का इंजेक्शन दे देंगे ताकि बेबी क्या हो सके, उसके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं हो, ब्लीडिंग उसके अंदर नहीं हो। सर ब्लीडिंग टेंडेंसी कैसी होगी, तो उसके लिए आपको याद रखना है जो बेबी होता है आफ्टर बर्थ, बेबी जो होता है उसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो स्ट्राइल होती है। कैसी होती है जी, स्ट्राइल होती है। स्ट्राइल मतलब कि हमें पता है आप सबको पता है कि इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है जी, विटामिन के का सिंथेसिस करवाता है, विटामिन के का सिंथेसिस करवाता है। अब यहां पर बेबी की इंटेस्टाइन कैसी है, स्ट्राइल है, तो नॉर्मल फ्लोरा है क्या, नहीं है। अब नहीं है तो क्या विटामिन के का सिंथेसिस होगा, नहीं होगा। और ये नहीं होगा तो क्या क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे, क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे, नहीं होंगे। नहीं होंगे तो क्या उसके अंदर ब्लीडिंग रुकेगी, नहीं रुकेगी। इसीलिए हम क्या देते हैं, विटामिन के देते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन के हमें देना होता है ताकि हम जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है उसको रोक सके, ब्लीडिंग टेंडेंसी है उसको हम रोक सके। और जनरली आप सबको पता है कितना देते हैं, आगे अपन डिस्कस करेंगे। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा बात है, सिंपल सा क्वेश्चन ये कहता है हाउ मेनी टाइम अ डे डू द न्यूबोर्न जनरली नीड टू फीड। जनरली क्वेश्चन ये पूछा है कि एक बेबी है, एक न्यूबोर्न बेबी है, तो न्यूबोर्न बेबी को पूरे एक दिन के अंदर मतलब 24 घंटे के अंदर 24 आवर के अंदर कितनी बार फीडिंग की जरूरत पड़ती है, कितनी बार बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया, आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर 5 to 6 टाइम, सेकंड ऑप्शन है यहां पर 3 to 4 टाइम, थर्ड ऑप्शन है यहां पर 8 to 12 टाइम, और फोर्थ ऑप्शन है 9 to 10 टाइम। चलेगा आंसर दीजिएगा।
चलेगा जनरली। अगर आप यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें ना, तो उम्मीद है आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर बात करें अपन, क्योंकि अगर बात करें अपन ब्रेस्ट फीडिंग की, तो बेबी को कितनी ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए एक दिन के अंदर, 8 से लेकर 12 बार, यानी 8 to 12 times ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए पूरे एक दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? एक दिन के अंदर, यानी 24 hours के अंदर बेबी को 8 to 12 times ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की जरूरत पड़ती है, करवानी चाहिए। याद रखेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहा है चैनल पर, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन उनको मिले। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 14 number, और 14 number क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा। विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट हॉर्मोन फॉर अवर बॉडी यूज टू मेक द ब्रेस्ट मिल्क। देखिएगा, क्वेश्चन सिंपल सा यहां पर यह पूछा है कि फॉलोइंग कौन सा इंपोर्टेंट हॉर्मोन्स है जो कि ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन का काम करता है, ब्रेस्ट मिल्क को बनाने का काम करता है, या ब्रेस्ट मिल्क को बनाने में यूजफुल होता है। समझ में आ रहा है ना, ब्रेस्ट मिल्क का क्या करवा रहा है, काम करवा रहा है, प्रोडक्शन करवा रहा है, उसको बनवा रहा है। तो कौन सा ऐसा हॉर्मोन है जो ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन सा ऐसा हॉर्मोन है जो ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है या रेस्पॉन्सिबल होता है। चलिए आंसर दीजिएगा, पहला ऑप्शन यहां पर एस्ट्रोजन, सेकंड ऑप्शन है यहां पर प्रोलेक्टिन, थर्ड ऑप्शन यहां पर प्रोजेस्टेरोन, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर इंसुलिन। चलेगा आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है। ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन या सिंथेसिस के लिए कौन सा हॉर्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। चलेगा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रोलेक्टिन हार्मोन है, प्रोलेक्टिन हार्मोन है जो कि ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन सिंथेसिस और सीक्रेशन में हेल्प करता है। याद रखेगा, प्रोडक्शन और सीक्रेशन में हेल्प करवाता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा हॉर्मोन है, प्रोलेक्टिन हॉर्मोन, याद रहे, भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 number क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा। 15 number क्वेश्चन कहता है, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट हॉर्मोन फॉर द मिल्क इजेक्युलेशन या मिल्क इजेक्शन। चलेगा, मिल्क का फॉर्मेशन हो गया, सिंथेसिस करवा दिया किसने, प्रोलेक्टिन हॉर्मोन ने। किसने करवाया जी, प्रोलेक्टिन हॉर्मोन ने करवा दिया मिल्क का फॉर्मेशन और सिंथेसिस। लेकिन फॉर्मेशन सिंथेसिस तो हो गया है, लेकिन कौन सा ऐसा हॉर्मोन है जो कि मिल्क का इजेक्शन करवाता है, इजेक्शन करवाता है मतलब सीक्रेट करवाता है, जानते हो इजेकुलेशन तो जानते ही हो, बिल्कुल इजेक्शन करवाता है। तो मिल्क का इजेक्शन करवाने में कौन सा हॉर्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। चलिए आंसर दीजिएगा, पहला ऑप्शन है यहां पर ऑक्सीटोसिन, सेकेंड ऑप्शन है यहां पर एस्ट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है यहां पर प्रोलेक्टिन, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर प्रोजेस्टेरोन। चलेगा आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रेस्ट मिल्क को इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। चलेगा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क को इजेक्ट करवाता है, इजेक्शन करवाने का काम करता है, इजेकुलेशन करवाने का काम करता है, याद रखेगा। क्योंकि ब्रेस्ट कौन, यहां पर जो ऑक्सीटोसिन, उनका काम क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन करवाना। ऑक्सीटोसिन का बेसिक काम क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन करवाना। आपने लेबर के अंदर काफी अच्छी तरीके से पढ़ा है, काफी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया लेबर के अंदर, तो याद होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए आपको, भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेशन को लाइक शेयर जरूर सब करते रहेगा, ताकि सभी तक सेशन पहुंचे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 16 number सिंपल सा क्वेश्चन ये कहता है, ट्रांजिशनल मिल्क इज सीक्रेटेड आफ्टर। ट्रांजिशनल मिल्क होता है वो कब सीक्रेट होता है, कितने दिनों के बाद में अगर मिल्क आता है या मिल्क सीक्रेट होता है, तो उसको किस मिल्क के नाम से जानेंगे, ट्रांजिशनल मिल्क। यानी कि सबसे पहला मिल्क हो गया आपका कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम के बाद मिल्क हो गया आपका ट्रांजिशनल। तो यहां पर ऑप्शन आपको बताइएगा फटाफट से, मैंने ही आंसर बता दिया, फटाफट से आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर 1 to 3 days, सेकेंड ऑप्शन है 3 to 14 days, थर्ड ऑप्शन है 15 to 18 days, और फोर्थ ऑप्शन है 2 weeks से लेकर 6 months तक। चलेगा आंसर आपको देना है, ट्रांजिशनल मिल्क कब सीक्रेट होता है, कितने टाइम पीरियड बाद ट्रांजिशनल मिल्क सीक्रेट होता है। चलेगा,
जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिएगा यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें ना 16 नंबर क्वेश्चन की, तो ट्रांजिशनल मिल्क इज सीक्रेटेड आफ्टर द ऑप्शन नंबर, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। ट्रांजिशनल मिल्क कोलेस्ट्रम मिल्क के बाद का जो मिल्क होता है दैट इज ट्रांजिशनल मिल्क होता है। कोलेस्ट्रम मिल्क के बाद नेक्स्ट मिल्क होता है दैट इज अ ट्रांजिशनल मिल्क, यानी सबसे पहले फर्स्ट से लेकर डिलीवरी होते ही 3 दिन तक क्या होता है सर, 3 दिन तक कौन सा मिल्क होता है आपका, कोलेस्ट्रम मिल्क होता है। कौन सा मिल्क होता है जी, कोलेस्ट्रम मिल्क होता है। उसके बाद बात करें 3 से बाद यानी थर्ड डे के बाद अगर बात करें तो 14 डेज तक वो आपका ट्रांजिशनल मिल्क होता है। कौन सा मिल्क होता है जी, ट्रांजिशनल मिल्क होता है, याद रखेगा। अगर बात करें ट्रांजिशनल मिल्क के बाद कौन सा मिल्क होता है, ट्रांजिशनल मिल्क के बाद आपका मिल्क होता है दैट इज अ मैच्योर मिल्क। कौन सा मिल्क, मैच्योर मिल्क, जो कि कब होता है ट्रांजिशनल मिल्क के बाद। ट्रांजिशनल मिल्क कब, कितने दिनों तक, 14 दिन तक। 14 दिन यानी कि 2 वीक हो गए, यानी 2 वीक से लेकर पूरे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फिटिंग करवाते हैं पूरे 6 महीने तक। कौन सा मिल्क होता है, मैच्योर मिल्क होता है। तो बेसिकली 3 चीजें याद रखनी है। कोलेस्ट्रम मिल्क 1 से 3 दिन तक रहता है, यानी बर्थ हुआ, बेबी बर्थ हुआ उसके बाद 3 दिन तक, यानी फ्यू डेज तक क्या होता है, कोलेस्ट्रम मिल्क होता है। उसके बाद ट्रांजिशनल मिल्क स्टार्ट हो जाता है जो कि 3 दिन के बाद 14 दिन तक रहता है। उसके बाद मैच्योर मिल्क स्टार्ट हो जाता है 14 दिन, एंड ट्रांजिशनल मिल्क के बाद पूरे 6 महीने तक मैच्योर मिल्क होता है। 6 महीने तक क्या होता है, मैच्योर मिल्क होता है। यहां तक आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, विच मिल्क सेटिस्फाई द बेबीज थ्रस्ट, बेबी की प्यास को कौन बुझाता है, कौन सा मिल्क है बेबी की प्यास को बुझाता है, जो प्यास लगती है बेबी को उसको सेटिस्फाई कौन करवाता है, कौन सा मिल्क। पहला मिल्क यहां पर देखेगा हाइंड मिल्क, सेकंड ऑप्शन है यहां पर फोर मिल्क, थर्ड ऑप्शन यहां पर मैच्योर मिल्क, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर प्री टर्म मिल्क। चलेगा आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, बेबी की थ्रस को सेटिस्फाई करने वाला मिल्क कौन सा होता है, बेबी की थ्रस को, थ्रस मतलब जानते हो प्यास को, प्यास को बुझाने वाला कौन सा मिल्क होता है, आंसर आपको देना है फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें, थ्रस को कंप्लीट करने वाला सेटिस्फाई करने वाला मिल्क होता है दैट इज अ फोर मिल्क। कौन सा होता है जी, फोर मिल्क होता है, याद रखेगा। फोर मिल्क जो कि स्टार्टिंग मिल्क होता है, ब्रेस्ट फीडिंग देना स्टार्ट करती है एक लेडी, एक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाना स्टार्ट करती है तो स्टार्टिंग में जो मिल्क आता है दैट इज अ फोर मिल्क, दैट इज अ फोर मिल्क। और यही मिल्क बेबी की प्यास को बुझाता है, यही मिल्क बेबी की प्यास को बुझाता है क्योंकि इसके अंदर वाटरी कंटेंट ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं जी, वाटरी कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, याद रखिएगा, वाटरी कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, याद रहे, भूलना नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है, कहता क्या है, विच मिल्क सेटिस्फाई द बेबीज हंगर, बेबी जो है उसकी हंगर को सेटिस्फाई करने वाला मिल्क कौन सा है। हंगर जानते हो भूख को, यानी बेबी की भूख को मिटाने वाला मिल्क कौन सा है, बेबी की हंगर को मिटाने वाला मिल्क। पहला ऑप्शन है हाइंड मिल्क, सेकंड ऑप्शन है फोर मिल्क, थर्ड ऑप्शन है मैच्योर मिल्क, और फोर्थ ऑप्शन है प्री टर्म मिल्क। चलिएगा आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, विच मिल्क सेटिस्फाई द बेबीज हंगर, बेबी की हंगर को यानी भूख को मिटाने वाला मिल्क कौन सा होता है। चलिएगा आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा जल्दी से आंसर आपको देना है, देखिएगा यहां पर करेक्ट आंसर की अगर बात करें, देखिए हंगर H फॉर हंगर और H फॉर हाइंड मिल्क, H फॉर हंगर और H फॉर हाइंड मिल्क, याद रखने के लिए बता रहा हूं, याद रखने के लिए बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना है। H फॉर हंगर, H फॉर हाइंड मिल्क। हाइंड मिल्क यानी एंडिंग मिल्क होता है, यानी स्टार्टिंग में मिल्क करवाया दैट इज अ फोर मिल्क, और फोर मिल्क के बाद कंटिन्यूअसली अगर लेडी क्या करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो वो मिल्क जो होता है, एंडिंग मिल्क जो होता है वो हाइंड मिल्क होता है। इसलिए लेडी से कहते हैं कि आपको स्टार्टिंग से लेकर पूरा जब तक कि ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं हो जाए तब तक बेबी को क्या करवाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, ताकि बेबी को
बेबी की थ्रस्ट भी कंप्लीट हो जाए, उसकी हंगर भी सेटिस्फाई हो जाए। इसलिए हाइंड मिल्क यानी जो एंडिंग मिल्क होता है उसी को हाइंड मिल्क कहते हैं, और वही बेबी की थ्रस्ट को, सॉरी बेबी की हंगर को सेटिस्फाई करवाता है। किसको? हंगर को सेटिस्फाई करवाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सफिशियंट अमाउंट में क्या होते हैं? न्यूट्रेंट्स अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं जी? न्यूट्रेंट्स अवेलेबल होते हैं। याद नहीं रहता है तो याद रखेगा, H फॉर हंगर, H फॉर हाइंड मिल्क, H फॉर हंगर, H फॉर हाइंड मिल्क आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है, मेच्योर मिल्क इज सिक्रेटेड एट, चलेगा आंसर बताएगा, पहले ही बता दिया मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको, पहले ही डिस्कस कर लिया अपने मेच्योर मिल्क कब होता है, तो आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देगा, मेच्योर मिल्क इज सिक्रेटेड एट, कब स्टार्ट होता है? पहला ऑप्शन यहां पर 1 to 3 days, सेकंड ऑप्शन है 3 to 14 days, फोर्थ ऑप्शन है 15 to 18 days, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर 2 weeks से लेकर 6 months तक। चलेगा आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन के बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें, तो देखिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर अपन बात करें 1 से 3 दिन तक तो कोलेस्ट्रम होता है। क्या होता है जी? कोलेस्ट्रम होता है, बताया मैंने, याद होगा आपको। और उसके बाद कोलेस्ट्रम के जस्ट बाद ट्रांजिशनल मिल्क होता है। कौन सा होता है जी? ट्रांजिशनल मिल्क होता है। और ट्रांजिशनल मिल्क के बाद, ट्रांजिशनल मिल्क 14 दिन यानी 2 वीक की बात होगी, और 2 वीक से स्टार्ट हो जाएगा 6 महीने तक, दैट इज अ मैच्योर मिल्क। याद रखिएगा, तीनों स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपोर्टेंट है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो सेशन को लाइक शेयर करते रहिए ताकि सभी तक सेशन पहुंचता रहे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, द मिल्क मेड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट डे आफ्टर द बर्थ हैज सर्टेन नेम, व्हाट इज इट। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा, यहां पर ये कहा है, द मिल्क मेड बाय द बॉडी, वो मिल्क जो कि बॉडी के थ्रू बनाया जा रहा है, द फर्स्ट आफ्टर द बर्थ, बेबी का बर्थ हुआ है उसके जस्ट फर्स्ट डे की बात की जा रही है, बेबी का बर्थ होने के बाद पहले दिन की बात की जा रही है, और वो बॉडी के द्वारा बनाया हुआ मिल्क है, तो उस मिल्क का क्या नाम है। कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछा है, जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ है तो बेबी का बर्थ होने के बाद जो मिल्क सीक्रेट होता है उस मिल्क का नाम बताना है आपको फटाफट से, उम्मीद है सबको याद है। चलेगा पहला ऑप्शन देखिएगा लैक्टोज, सेकंड ऑप्शन है एसिडोफिलस, थर्ड ऑप्शन है कोलेस्ट्रम, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। उम्मीद है सभी को याद है, और सभी को याद है तो फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप सबको लग रहे होंगे काफी इजी से क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन ही तो आएंगे आपके, आप ट्रेनिंग ही तो कर रहे हो, आप कंपटीशन दौड़ दे रहे हो, ट्रेनिंग ही आप कर रहे हो, कंपटीशन नहीं दे रहे हो, इसलिए मॉड्यूल्स के क्वेश्चन आएंगे, मॉड्यूल से बाहर कोई क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर अपन देखें, 20 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन कहे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कोलेस्ट्रम होगा, क्योंकि बर्थ होते ही आफ्टर बेबी बर्थ जो मिल्क सीक्रेट होता है, जो मिल्क प्रोडक्ट होता है, जो मिल्क बनता है बॉडी के अंदर, वो कोलेस्ट्रम होता है फ्यू डेज बोले तो 1 से 3 दिन तक का जो मिल्क होता है दैट इज अ कोलेस्ट्रम होता है। येलोइश कलर का होता है, काफी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, फैट सोलेबल विटामिन उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, प्रोटीन्स अवेलेबल होता है, IgA एंटीबॉडी उसके अंदर अवेलेबल होती है, याद रखेगा, इसलिए बेबी को कोलेस्ट्रम फीड करवाना चाहिए क्योंकि काफी न्यूट्रेटिव होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्या पूछा है देखिएगा, सिंपल सा पूछा है, 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द मदर हू हैव, वो मदर जिसको इनमें से कोई ऐसी डिजीज है और उससे कहेंगे कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना है, यानी कौन सी मदर को आप मना करेंगे कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी है, यानी किस मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अपन रिकमेंड नहीं करेंगे, नॉट रिकमेंड, याद रखिएगा क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ है, अगर भूल गए इसको तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिएगा पहला ऑप्शन है हेपेटाइटिस सी, सेकेंड ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, थर्ड ऑप्शन है डायबिटीज, फोर्थ ऑप्शन है HIV। चलेगा आंसर आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, किस मदर को आप मना करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग मत करवाना। चलेगा आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सही आंसर है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, HIV।
एचआईवी मदर अगर है तो उससे कहेंगे कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी है, क्योंकि वो एचआईवी यानी कि ट्रांसमिट हो सकता है बेबी के अंदर, इसीलिए जनरली उसको मना किया जाता है। बाकी एग्जैक्ट इसका आंसर अगर देखे तो एचआईवी में भी ऐसा नहीं माना जाता है कि आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही कर दिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही कर दे, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, एचआईवी ही यहां पर करेक्ट आंसर होगा, याद रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है देखिएगा समझिएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है द एवरेज वेट ऑफ द बेबी एट बर्थ, एट बर्थ बेबी का अभी बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है उसका, तो उसका नॉर्मल वेट कितना होगा, बेबी का एवरेज वेट कितना होगा, आंसर आपको बताना है फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है 2 kg होगा, सेकंड ऑप्शन है 2.5 kg होगा, थर्ड ऑप्शन है 3 kg होगा, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 3.5 kg होगा। चलिएगा आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जस्ट अभी बेबी का बर्थ हुआ है, तो बेबी का बर्थ होते ही उसका मेजरमेंट अगर अपन करते हैं वेट का, तो उसका वेट कितना होता है, नॉर्मल वेट कितना रहना चाहिए एक बेबी का, एवरेज वेट आपसे पूछा है। चलेगा आंसर आपको देना है। चलिए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा अकॉर्डिंग टू योर मॉडल, आपकी मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 2.5 kg होगा, 2.5 kg होगा। अगर अपन नॉर्मल की बात करें तो 2.5 kg से लेकर 3.9 kg तक बेबी के अंदर नॉर्मल वेट माना जाता है, 2.5 से लेकर 3.9 kg तक बेबी के अंदर नॉर्मल वेट माना जाता है। अगर यहां पर अगर एवरेज की बात करें, अगर एवरेज की अपन बात करें तो नॉर्मल जो वेट माना जाता है वो आपका 3 kg के समथिंग माना जाता है, अराउंड 3 kg आपका नॉर्मल वेट माना जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आपकी मॉड्यूल्स, आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग अगर करेक्ट आंसर अपन मानते हैं ना, तो फिर 2.5 kg ही मानते हैं, याद रखेगा 2.5 kg ही यहां पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग, तो याद रखिएगा। सॉरी, चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन कहता है द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइमिंग में एक लेडी के अंदर टोटल वेट गेन कितना होता है, टोटल वेट गेन आपसे पूछा है कि एक लेडी के अंदर जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके तीनों ट्राइमेस्टर के अंदर यानी पूरी कंप्लीट प्रेगनेंसी के अंदर वेट गेन की बात करें तो कितना वेट गेन होता है उस लेडी के अंदर। तो पहला ऑप्शन यहां पर 8 to 10 kg, सेकेंड ऑप्शन है 9 to 12 kg, थर्ड ऑप्शन है 10 to 14 kg, और फोर्थ ऑप्शन है 11 to 16 kg। चलेगा आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा जल्दी से इसका आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। एक नॉर्मल ड्यूरेशन आपसे पूछा है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो लेडी है उसके अंदर कितना वेट गेन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यहां पर 9 to 12 kg बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 9 से 12 kg वेट गेन होगा उस लेडी के अंदर, जनरली याद होना चाहिए आपको, भूलना नहीं है, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि बार बार मैं इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन मैंने न्यूट्रिशन के अंदर भी आपको रिपीट करवाया था, यही क्वेश्चन यहां भी रिपीट करवाया, इससे पहले भी आपको मैंने रिपीट करवा रखा है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका 24 नंबर, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने पहले ही करवा रखा है, इसलिए इसका भी गलत आंसर आपका नहीं होना चाहिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है देखेगा, व्हाट इज द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम mg पर डे फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, यानी एक प्रेग्नेंट वुमेन है और एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको एडिक्वेट कैल्शियम कितना देंगे mg पर डे के अंदर अकॉर्डिंग देना, यानी एक दिन के अंदर कैल्शियम कितना देंगे उस प्रेग्नेंट लेडी को, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, आपको प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको एडिक्वेट कैल्शियम कितना दोगे आप एक दिन के अंदर, आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखेगा, पहला ऑप्शन है यहां पर 1100 mg पर डे, सेकंड ऑप्शन है 1000 पर डे, थर्ड ऑप्शन है 1200 mg पर डे, और फोर्थ ऑप्शन है 1300 mg पर डे, 1100 mg पर डे, 1000 mg पर डे, 1200 mg पर डे, और 1300 mg पर डे। चलेगा आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलेगा। यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर लेडी की बात करें, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसको कैल्शियम इंटेक की अगर बात करें तो कैल्शियम इंटेक उसको करवाया जाता है 1200 mg per day, यानी 1200 mg per day उस लेडी को दिया जाता है कैल्शियम इंटेक, याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जा रहा है। द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग नॉट इन्वॉल्व, देखिएगा अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला बात तो आपको ये होना याद होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली बात तो ये आपको याद होना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मैंने बताया आपको 6 मंथ में स्टार्ट कर देते हैं, 6 मंथ के बाद स्टार्ट कर देते हैं। तो 6 मंथ के बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर रहे हो बेबी के अंदर, तो फॉलोइंग ऑप्शन सभी सही है लेकिन एक ऑप्शन यहां पर गलत है, नॉट इन्वॉल्व। कौन सा इन्वॉल्व नहीं है, सभी ऑप्शन यहां पर सही है लेकिन एक गलत है, वो गलत ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन देखेगा टाइमली होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है इनएडुकेट होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव फीडिंग होना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है सेफ होना चाहिए। चलिए आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है, कौन सा ऑप्शन यहां पर गलत है। चलिए यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिएगा आप फीडिंग करवा रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, तो वो टाइमली होना चाहिए, टाइम से देनी चाहिए आपको, टाइम से अवेलेबल करवानी चाहिए, उसके अलावा वो एक्टिव फीडिंग होनी चाहिए, उसके अलावा वो सेफ होनी चाहिए, और उसके अलावा वो एडुकेट होनी चाहिए, इनएडुकेट नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एडुकेट होनी चाहिए, यहां तो इनएडुकेट लिखा हुआ है। अब इनएडुकेट कैसे होगी? नहीं, गलत है ऑप्शन। आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है। इनएडुकेट नहीं देनी है, एडुकेट देनी है, याद रखिएगा। इनएडुकेट करते ही उल्टा हो गया है, यहां पर हमें एडुकेट फीडिंग देनी है, इनएडुकेट नहीं देनी है, तो गलत ऑप्शन है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, 26 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल सा ये पूछा जा रहा है, द इन्फेंट डबल हिज और हर बर्थ वेट एट द विच एज विच मंथ। क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा जा रहा है कि एक बेबी है तो उस बेबी का जो वेट है डबल कब हो जाता है, कितने महीने में उसका वेट डबल हो जाता है। मान के चलेगा आप एवरेज मान के चलेगा बेबी का बर्थ वेट 3 kg था, 3 kg बर्थ वेट था बेबी का, अब कितने महीने में उसका वेट 6 kg हो जाएगा। क्वेश्चन आप समझ में आ गया, आंसर आपको देना। पहला ऑप्शन यहां पर 4 मंथ, सेकेंड ऑप्शन है 6 मंथ, थर्ड ऑप्शन है 7 मंथ, और फोर्थ ऑप्शन है 8 मंथ। चलेगा, आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर है, बेबी का बर्थ वेट डबल कब हो जाता है, किस एज में हो जाता है, आंसर आपको देना है। चलेगा, अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो डबल हो जाता है ये 6 मंथ में, 5 to 6 मंथ के अंदर ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। याद रहे 5 to 6 महीने में, 5 से 6 महीने के अंदर ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। कितना हो जाता है जी? डबल हो जाता है 6 kg के समथिंग ये हो जाता है, याद रखेगा। अगर पूछा जाए ट्रिपल कब होता है, तो ट्रिपल आपको याद रखना है 1 ईयर के अंदर हो जाता है, 1 ईयर के अंदर बर्थ वेट कितना हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। अगर पूछा जाए कि फोर्थ टाइम कब हो जाता है, तो 2 ईयर के अंदर ये क्या हो जाता है, 2 ईयर के अंदर क्या हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है। अगर पूछा जाए कि 100 टाइम कब हो जाता है, यानी 10 गुना कब हो जाता है, तो आपका आंसर जाएगा सर 10 ईयर के अंदर हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली अभी तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं डबल और ट्रिपल से रिगार्डेड, बाकी आगे पूछे जाएंगे तो आगे आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डेड ऑलरेडी हमें सेशन ले रखे हैं, सेशन के अंदर आपको बता रखे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डेड, तो वहां से उन सेशन को एक बार से विजिट कर लीजिएगा। बाकी आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन अभी काफी सारे हैं और सारे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं और सारा मॉड्यूल हमें पढ़ना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा हाइट ऑफ द न्यूबोर्न बेबी, एक न्यूबोर्न बेबी है उसकी हाइट कितनी होती है, न्यूबॉर्न बेबी की हाइट कितनी होती है। ये सब इमीडिएट केयर जो करते हैं ना, वहीं पर मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल मेजरमेंट करते हैं ना बेबी का, वही सब कुछ आ जाते हैं, इसलिए आपको याद होनी चाहिए, रूटीन केयर चल रही है, ठीक है। तो हाइट ऑफ बेबी, बेबी की जो हाइट है, हाइट बोले तो उसकी लेंथ है कितनी होनी चाहिए, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन देखेगा 42 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन देखेगा 50 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन देखेगा 55 सेंटीमीटर, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा 60 मीटर। चलेगा, आंसर आपको 60 सेंटीमीटर, सभी सेंटर मीटर में है, ठीक है, सभी सेंटीमीटर में है
याद रखिएगा, चलेगा। बेबी की, न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी हाइट कितनी होगी, आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर बात करें अपन, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बेबी के जो नॉर्मल बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी हाइट की अगर अपन बात करते हैं तो उसकी हाइट कितनी रहती है, 50 सेंटीमीटर रहती है। और एक्चुअली में अगर एक्यूरेट अपन बात करें तो 45 से लेकर 55 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है जी? 45 से लेकर 55 सेंटीमीटर की होती है, 45 से लेकर 55 सेंटीमीटर की होती है। अगर एवरेज अपन देखते हैं, तो वो 50 सेंटीमीटर अपन एवरेज में मान लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 50 सेंटीमीटर हाइट होती है एक न्यूबॉर्न बेबी की, याद रहे, इंपॉर्टेंट है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वेट ऑफ वेरी एलबीडब्ल्यू बेबी लेस देन, देखिएगा क्वेश्चन पूछा है यहां पर, वेरी एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू नहीं पूछा है, गलत पेम में मत रहना, एलबीडब्ल्यू नहीं है, वेरी एलबीडब्ल्यू है। क्या है जी? वेरी एलबीडब्ल्यू है। अगर एलबीडब्ल्यू पूछा जाए तो कितना होना चाहिए, वेरी एलबीडब्ल्यू पूछा जाए तो कितना होना चाहिए, और एक्सट्रीमली एलबीडब्ल्यू पूछा जाए तो कितना होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को लेकर। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वेरी एलबीडब्ल्यू की बात की गई है, इसीलिए कितना होगा, 1.5 केजी से कम होगा। अब मैं आपको बता दूं, देखिएगा, नॉर्मल वेट जनरली अपन कंसिडर करते हैं 2.5 से लेकर 3.9 केजी तक, ये नॉर्मल वेट अपन क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। अगर एवरेज मान लेते हैं, यहां पर 3 केजी मानते हैं, एवरेज 3 केजी मानते हैं, अगर आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग बोला जाए तो 2.5 केजी यहां पर मान लेते हैं। लेकिन अगर 2.5 केजी से अगर कम हो जाता है, 2.5 केजी से कम हो जाता है तो उसको एलबीडब्ल्यू कहा जाता है, लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है। अगर 2.5 के बाद 1.5 से कम हो जाता है तो उसको वेरी एलबीडब्ल्यू कहा जाता है, अगर वेट 1 केजी से भी कम हो जाता है तो उसको एक्सट्रीम एलबीडब्ल्यू कहा जाता है। याद रहना चाहिए, याद होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको याद होना चाहिए। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो याद रखिएगा, एलबीडब्ल्यू कितना, 2.5 केजी से कम अगर हो जाए तो उसको एलबीडब्ल्यू कहेंगे, अगर 1.5 केजी से कम हो जाए तो उसको वेरी एलबीडब्ल्यू कहेंगे, और अगर 1 केजी से भी कम हो जाए तो उसको एक्सट्रीम एलबीडब्ल्यू कहेंगे, याद होना चाहिए। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, द इन्फेंट डबल हिज और हर बर्थ हाइट, बेबी की हाइट डबल कब हो जाती है। क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है, हाइट की बात की जा रही है, हाइट डबल कब हो जाती है, बेबी की हाइट डबल कब हो जाती है, यानी एक बेबी है जो कि एट बर्थ उसकी हाइट अपने जनरली क्या कंसीडर की थी कि 50 सेंटीमीटर होती है, बेबी की नॉर्मल हाइट क्या मानी अपने, 50 सेंटीमीटर होती है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि डबल कब हो जाएगी, यानी ये 100 सेंटीमीटर कब हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर कब हो जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलेगा, आंसर आपको देना है, पहला ऑप्शन है 6 मंथ में, सेकंड ऑप्शन है 1 ईयर में, थर्ड ऑप्शन है 2 ईयर में, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 4 ईयर के अंदर। चलेगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, अगर डबल की बात अपन करें तो डबल ये हो जाती है आपकी 4 ईयर के अंदर, 4 ईयर के अंदर, 4 साल के अंदर बेबी की हाइट डबल हो जाती है। क्या हो जाती है, 4 साल के अंदर बेबी की हाइट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, याद रहना चाहिए। अगर ट्रिपल की बात करें ना, डबल कब होती है ये आपको याद रखना है, कब होती है डबल, 4 साल में, 4 ईयर के अंदर डबल हो जाती है। अगर ट्रिपल की बात करें ना, तो ट्रिपल होती है आपकी 13 ईयर के अंदर, 13 साल के अंदर, 13 साल के अंदर क्या हो जाती है, डबल, सॉरी ट्रिपल हो जाती है, याद रखना है, ट्रिपल हो जाती है। डबल तो 4 ईयर के अंदर होगी, हाइट की बात करें अपन स्पेशली, हाइट की बात करें तो डबल तो 4 ईयर के अंदर होगी, और ट्रिपल होगी आपकी 13 ईयर के अंदर, ट्रिपल होगी आपकी 13 ईयर के अंदर। और अगर हम कहें कि बर्थ वेट की 50% बढ़ जाएगी, बर्थ वेट की 50% बढ़ जाएगी, तो वो 1 ईयर के अंदर बढ़ जाएगी, यानी 50 ईयर अपन नॉर्मल
मान रहे हैं, अब इसका 50% यानी कि 75 समथिंग हो जाएगी, यानी कि 50 + 2 5 अगर प्लस करते हैं तो 75, यानी कि 50% कब बढ़ जाती हैं, तो आंसर जाएगा आपका 1 ईयर में, डबल की बात करें तो 4 ईयर में, और ट्रिपल की बात करें तो 13 ईयर में, याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यू बोर्न बेबी एट बर्थ, एट बर्थ के अंदर जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ है, अगर हम टोटल वॉल्यूम पूछे, टोटल ब्लड वॉल्यूम अगर अपन पूछे बेबी का तो कितना होना चाहिए, टोटल ब्लड वॉल्यूम बेबी का अगर अपन पूछे तो कितना होना चाहिए, आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर आपको देना है फटाफट से। पहला ऑप्शन है 80 ml/kg, सेकेंड ऑप्शन है 100 ml/kg, थर्ड ऑप्शन है 125 ml/kg, और ऑप्शन नंबर डी है यहां पर 150 ml/kg। चलेगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर आपको देना है टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यूबोर्न बेबी, न्यूबोर्न बेबी के अंदर अगर अपन बात करें तो टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होना चाहिए, आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 80 ml/kg के अकॉर्डिंग अगर न्यूबॉर्न बेबी है, बर्थ हुआ है, तो उसका 80 ml/kg के अकॉर्डिंग बर्थ वेट, सॉरी टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है, जनरली आपको याद रखना है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट है, देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन कहता है नॉर्मल टाइम ऑफ फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी एक बेबी का बर्थ हुआ है और बर्थ होने के कितने टाइम पीरियड के अंदर, फर्स्ट टाइम पीरियड आपसे पूछा है कि बेबी कब रिएक्टिविटी करेगा, बेबी कब रिएक्टिविटी करेगा, किस टाइम पीरियड के अंदर बेबी रिएक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है, नॉर्मल टाइम पीरियड आपसे पूछा है, आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर 30 मिनट्स ऑफ बर्थ, सेकंड ऑप्शन है 6 to 8 hours आफ्टर द बर्थ, और थर्ड ऑप्शन है यहां पर फर्स्ट 6 to 8 hours आफ्टर द बर्थ, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 2 to 3 hours आफ्टर द बर्थ। चलेगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नॉर्मल एक्टिविटी की अगर बात करते हैं अपन कि बेबी जैसे ही बर्थ हुआ है, बेबी का जैसे ही बर्थ हुआ है तो उसकी नॉर्मल रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो फर्स्ट पीरियड जनरली माना जाता है आपका फर्स्ट 30 मिनट, जो स्टार्टिंग के जो आधा घंटा होता है 30 मिनट जो आधा होता है, यानी आधा घंटा जो होता है आपका हाफ आवर जो होता है उसको आप क्या माना जाता है, रिएक्टिविटी पीरियड माना जाता है, फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी माना जाता है आफ्टर द बर्थ, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है, द न्यू बोर्न मेच्योरिटी रेटिंग स्केल इज असिस्ड बाय, चलेगा बात कीजिएगा यहां पर कि न्यूबोर्न जो बेबी है उसकी मैच्योरिटी को अपन रेट कर रहे हैं, उसकी मैच्योरिटी को अपन चेक कर रहे हैं, तो किस स्केल से, किस चार्ट से अपन मीजर करेंगे न्यूबोर्न की मैच्योरिटी अपन चेक कर रहे हैं। पहला आंसर यहां पर न्यू बैलार्ड स्केल, सेकंड ऑप्शन है अपगार स्कोरिंग, थर्ड ऑप्शन है GCS स्केल, और फोर्थ ऑप्शन है ग्रोथ चार्ट। चलेगा आंसर आपको देना है कि एक न्यूबोर्न बेबी है उसकी मैच्योरिटी रेट आपको चेक करनी है तो मैच्योरिटी चेक करने के लिए कौन सा स्केल आप काम में लेंगे, आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, न्यू बेलार्ड स्केल यहां पर काम में लिया जाता है, क्या लिया जाता है, न्यू बेलार्ड स्केल यहां पर काम में लिया जाता है, याद रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी को याद होना चाहिए, सभी को याद होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा नॉर्मल पल्स रेट इन इन्फेंट के अंदर नॉर्मल पल्स रेट कितनी होनी चाहिए, चलेगा आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है,
चलिए जल्दी कीजिएगा। नॉर्मल पल्स रेट कितनी होनी चाहिए एक इन्फेंट के अंदर? एक इन्फेंट के अंदर नॉर्मल पल्स रेट की बात की जा रही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। 120 टू 180 बीट पर मिनट, सेकेंड है 110 टू 160 बीट पर मिनट, और थर्ड ऑप्शन है 60 टू 100 बीट पर मिनट, और फोर्थ ऑप्शन है 90 टू 140 बीट पर मिनट। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है प्रीवियसली, याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए आंसर दीजिएगा। एक नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है इन्फेंट की बात की जा रही है, इन्फेंट की बात की जा रही है, नॉर्मल पल्स रेट आपसे पूछिए, उम्मीद है सभी को याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद रखिएगा। चलेगा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर होगा, 110 टू 160 बीट पर मिनट नॉर्मल पल्स रेट मानी जाती है एक न्यूबोर्न के अंदर, याद रखिएगा 110 से लेकर 160 बीट पर मिनट नॉर्मल मानी जाती है, याद होना चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक बीपीसी सीएचएन के रिगार्डेड जो टेस्ट स्टार्ट किए हैं वो ज्वाइन नहीं किए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज आपकी रहती है तो उसके अंदर मेल आईडी आपको दे रखी है, वहां से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां से आप पूछ सकते हैं क्या उसके रिगार्डिंग आपको क्वेरी है, बाकी उसके अंदर वीडियो अवेलेबल करवा रखी है कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, कैसे टेस्ट को आपको चलाना है, बिल्कुल वहां पर आपको अवेलेबल करवा रखे, और ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है जो कि आपको डेली एक टेस्ट देगी, पूरे 7 टेस्ट का एक मॉडल सेट आपको बनाकर दिया गया है, पूरे 7 टेस्ट आपको देने को मिलेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम स्पेशली राजस्थान सीएचओ कैंडिडेट का एग्जाम है कब आने वाला है, बिल्कुल 25 तारीख को है, 25 फरवरी ये आने वाली है, अभी बहुत ही जल्दी आ गई है, तो वहां तक आपको टेस्ट प्रिपेयर करके दिए जा रही हैं यहां पर, क्योंकि आपने तैयारी तो सब कुछ कर ली, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया आपको, सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, सारे ब्लॉक मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है, सारे ब्लॉक पढ़ा दिया, लेकिन तैयारी तो तब पता चलेगी ना जब आप टेस्ट दोगे, अब टेस्ट दोगे जब तो मजा आएगा, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आप दे रहे हैं तो उसके अंदर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही ये पेपर सेट किए गए हैं, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, मिशन एजुकेशन ऐप पर आपको अवेलेबल मिलेगा, मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, और वहां से सभी क्वेश्चंस को और सभी पेपर को इजीली आप दे सकते हैं, उसका आंसर की भी आपको मिलेगा, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन में से कितने सही रह रहे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस जनरेट कीजिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपको होगा तो फाइनल एग्जाम में काफी काम आएगा, इसलिए जो भी ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है, मिशन एजुकेशन ऐप पर आपको सब कुछ अवेलेबल है। चलेगा, वापस आ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं अपने सेशन पर आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है आपसे, टाइम ड्यूरेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग आफ्टर द बर्थ। चलेगा, जैसे ही बेबी का बर्थ हो गया है, अब बेबी का बर्थ हो गया है तो अम्बिलिकल कॉर्ड काटना है, बेबी का बर्थ हो चुका है और बेबी का बर्थ होते ही आपको अम्बिलिकल कॉर्ड काटना है, अब कितने टाइम पीरियड में आप अम्बिलिकल कॉर्ड काटेंगे, ड्यूरेशन आपसे पूछा है कितने टाइमिंग में आप अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे। चलेगा, आंसर दीजिएगा, पहला ऑप्शन है यहां पर 2 मिनट के अंदर काट देंगे, सेकेंड ऑप्शन है यहां पर 5 मिनट में काट देंगे, थर्ड ऑप्शन है यहां पर 7 मिनट में काट देंगे, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 10 मिनट में काट देंगे। चलेगा, आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कब कट करेंगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट और 10 मिनट। चलेगा, आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से दीजिएगा ताकि आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन दे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5 मिनट के अंदर काट लेते हैं, विदिन 5 मिनट में हम क्या कर लेते हैं जी, हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर लेते हैं, ध्यान रहे, और नॉर्मली अगर बात करें तो 3 मिनट के अंदर कट कर लेते हैं, 3 मिनट के अंदर क्या कर लेते हैं जी, कट कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं था इसलिए 5 मिनट, और जनरली आप 5 मिनट को ही जनरली मानते हैं, याद रखिएगा 5 मिनट के अंदर आप अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर लेते हैं, याद रखिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग देखने को मिल सकती है, लाइक प्रीटर्म बेबी है तो उसमें भी जल्दी अम्बिलिकल कॉर्ड को काट लिया जाता है, अगर मल्टीपल गेस्टेशन है तो उसमें भी काट लिया जाता है, अगर
एचआईवी प्रेग्नेंट लेडी हैं, एचआईवी मदर हैं, तो भी जल्दी काट लिया जाता है, तो वो आपको याद रखना है। बाकी नॉर्मली 5 मिनट के अंदर अम्लाइकल कोड को कट किया जाता है, याद रहे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, जस्ट अ मिनट, सिंपल सा क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपसे, व्हेन डज द अम्लाइकल कोड इन अ नियोनेट इन्वेंचुअली ड्राइड एंड फॉल ऑफ। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है, अम्लाइकल कोड कट हो गया है, ठीक है, लेडी की छुट्टी हो गई है, डिस्चार्ज हो गई, घर पे भेज दिया लेडी को, अब कितने दिन बाद जो बेबी के अम्लाइकस से जुड़ा हुआ पार्ट है जिसको जनरली आप अम्लाइकल कोड स्टंप बोलेंगे, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दी अम्लाइकल कोड, अम्लाइकल कोड का जो रिमेनिंग पोर्शन होता है जिसको अम्लाइकल कोड स्टंप बोलते हैं, तो वो अम्लाइकल कोड स्टंप कितने दिन में ड्राइड हो जाता है, सूख जाता है और फॉल अप हो जाता है, गिर जाता है, यानी कितने दिन में अम्लाइकल कोड स्टंप ड्राइड होकर गिर जाता है, छूट जाता है या हट जाता है, तो वो आंसर बताना है आपको कितने दिन में ऐसा होता है। पहला ऑप्शन है 9 to 12 days में, सेकंड ऑप्शन है 3 to 5 days में, थर्ड ऑप्शन है 5 to 8 days में, फोर्थ ऑप्शन है आफ्टर 12 days में। चलेगा आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। जनरली जो अम्लाइकल कोड है कट करने के बाद अम्लाइकल कोड स्टंप बचता है, यानी रिमेनिंग पोर्शन बचता है, वो रिमेनिंग पोर्शन कितने दिन बाद ड्राइड होकर फॉल अप हो जाता है, गिर जाता है। चलिए आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, उम्मीद है सभी को याद होगा और जिसको याद नहीं है वो याद रखे। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन देखे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 5 to 7 days, 5 to 8 days के अंदर वो ड्राइड होकर क्या हो जाता है, फॉल अप हो जाता है। और जनरली अगर बात करें एग्जैक्ट तो 7 days के अंदर, विद इन 7 days या आफ्टर 7 days की बात करें, विद इन 7 days ये गिर जाता है, विद इन 7 days अम्लाइकल कोड स्टंप ड्राइड होकर फॉल अप हो जाता है, याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 to 8 days बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5 से 8 दिन के अंदर वो ड्राइड होकर फॉल अप हो जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, फीटल हाइपोक्सिया इज असेस्ड बाय, फीटल हाइपोक्सिया को हम किसके थ्रू चेक कर सकते हैं, आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखिएगा, स्कैल्प ब्लड सैंपलिंग लेकर, सेकेंड ऑप्शन है AFP अल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट करके, थर्ड ऑप्शन है फीटल हार्ट मॉनिटरिंग करके, और फोर्थ ऑप्शन है A and C। चलेगा आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, हाइपोक्सिया को, फीटल हाइपोक्सिया को कैसे आप असिस करेंगे, आंसर देना है फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर देखे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यहां पर अपन स्कैल्प ब्लड सैंपलिंग लेकर भी चेक कर सकते हैं और बेबी की जो हार्ट मॉनिटरिंग है वो भी चेक करके अपन क्या कर सकते हैं, बेबी की हाइपोक्सिया कंडीशन को असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्फा फीटा प्रोटीन को यहां पर नहीं करेंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा पूछा जा रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है एपनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय, एपनिया जानते हो ना, वही डिफिकल्टी हो रही है, एपनिया हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है किसके अंदर, ब्रीथिंग के अंदर, तो बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है यहां पर स्टिमुलेटिंग करेंगे द बेबी को, सेकंड ऑप्शन है यहां पर मेंटेन द एयरवे को मेंटेन करेंगे, थर्ड ऑप्शन है यहां पर वेंटिलेटिंग द बेबी को वेंटिलेट करेंगे, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी करेंगे, क्या करेंगे चलिए बताइएगा। बेबी को एपनिया हो रखा है, बेबी को ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है, तो बताइए क्या करेंगे, बेबी को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे अपन कि बेबी को एपनिया नहीं हो, बेबी को एपनिया से बचाया जा सके, आंसर देना है फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा,
पहला ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर स्टिमुलेट करेंगे, बेबी को स्टिमुलेट करके भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। एयरवे को मेंटेन करेंगे, ठीक है, वेंटिलेटिंग करेंगे, बेबी को वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तीनों ऑप्शन अपन करके हम क्या कर सकते हैं, बेबी को एपनिया से बचा सकते हैं। याद रहे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा यहाँ पर पूछा है, 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, वन ऑफ दी कॉजेज ऑफ ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम है, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम जनरली क्या है, आई इन्फेक्शन है, क्या है, आई इन्फेक्शन है। और सबको पता है इमीडिएट केयर के अंदर आई मेडिकेशन भी अवेलेबल करवाई जाती है, करवाई जाती है ना, बिल्कुल याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियसली इमीडिएट केयर के रिगार्डेड सेशन लिया हुआ है, काफी जबरदस्त सेशन था और काफी इंपोर्टेंट सेशन था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नहीं देखा हो तो जरूर से उसको एक बार से देखिए। चलेगा, यहां पर बात करें, वन ऑफ दी कॉजेज ऑफ ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, आई इन्फेक्शन है, यानी ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम होता है तो वो किसके कारण से होता है, कॉजेज आपसे पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट है यहां पर HIV इन्फेक्शन के कारण से, सेकंड ऑप्शन है क्लेमाइडियल इन्फेक्शन के कारण से, थर्ड ऑप्शन है रूबेला इन्फेक्शन के कारण से, फोर्थ ऑप्शन है गोनोरियल इन्फेक्शन के कारण से। चलिएगा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, अगर ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम की बात अपन करें ना, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम की बात अगर अपन करें तो ये होता है, ये कोज करता है आपका नीशेरिया गोनोरिया, कौन कोज करता है, नीशेरिया गोनोरिया कोज करता है, तो जनरली अपन आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी देंगे, गोनोरियल इन्फेक्शन। काफी जगह आपको क्लेम आइडियल इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा, लेकिन क्लेम आइडियल इन्फेक्शन के कारण से क्लेम आइडियल कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, याद रखिएगा, क्लेम आइडियल कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है किसके कारण से, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन के कारण से। तो क्लेमाइडियल ट्रेकोमेटिस के कारण से क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, और अगर ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम की बात करें तो नीशेरिया गोनोरिया के कारण से देखने को मिलता है, और जनरली अपन कहेंगे कि गोनोरिया इन्फेक्शन के कारण से ये देखने को मिलता है। उम्मीद है समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। और जो भी कैंडिडेट सेशन में पहली बार विजिट कर रहे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन मिले, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है ताकि सभी तक पहुंच जाए, सभी सेशन का बेनिफिट ले सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 39 नंबर, और 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन इन आई इन्फेक्शन इन न्यूबोर्न, न्यूबोर्न के अंदर मोस्ट कॉमनली आई मेडिकेशन यूज की जाती है, कौन सी यूज की जाती है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड आई मेडिकेशन आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, सेकंड ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, थर्ड ऑप्शन है इरिथ्रोमाइसिन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। चलेगा, आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है। आई मेडिकेशन की बात की जा रही है, न्यूबोर्न के अंदर जो आई इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए मोस्ट कॉमनली जो मेडिकेशन काम में ली जाती है वो कौन सी होती है, आंसर देना है। चलेगा, अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर देखिए अपन, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इरिथ्रोमाइसिन दी जाती है। क्या दी जाती है जी, इरिथ्रोमाइसिन दी जाती है, याद रखेगा, न्यूबोर्न के अंदर इरिथ्रोमाइसिन आई मेडिकेशन ज्यादातर यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, याद रखेगा, भूलना नहीं है। इसके अलावा अगर इरिथ्रोमाइसिन आपके पास नहीं है तो टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इरिथ्रोमाइसिन है तो फिर इरिथ्रोमाइसिन ही आप यूज करेंगे, क्योंकि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन होती हैं आपकी आई इन्फेक्शन के अंदर न्यूबोर्न में इरिथ्रोमाइसिन, याद रहे, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, याद होना चाहिए। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, फेलियर टू थ्राइव, फेलियर टू थ्राइव, थ्राइव का मींस क्या होता है, फेलियर टू थ्राइव का मींस क्या होता है, आंसर आपको देना। पहला ऑप्शन देखेगा, चाइल्ड इज अनेबल टू ड्रिंक लिक्विड, सेकेंड ऑप्शन है चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक, थर्ड ऑप्शन है रेट ऑफ वेट गेन इज स्लज, और फोर्थ ऑप्शन है रेट ऑफ लेंथ गेन इज स्लज। चलेगा, अगर हम बात करें क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, तो फटाफट से पहले आप आंसर दे दीजिएगा, फिर अपन आंसर की बात करेंगे। चलेगा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें, अगर फेलियर टू ट्राई की बात करें, फेलियर टू
थ्राइव की बात करें तो डायरेक्टली ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके एज से, डायरेक्टली रिलेटेड है ये आपके वेट से, वेट गेन से रिलेटेड है। आपका आंसर क्या जाएगा सर? वेट गेन से रिगार्डेड है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। रेट ऑफ वेट गेन इज स्लज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि फेलियर टू थ्राइव डायरेक्टली रिलेटेड टू वेट गेन से भी, ठीक है, डायरेक्टली वेट गेन से रिलेटेड है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लजी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और उम्मीद है यहां तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन के आंसर को या रिमेनिंग क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट सेशन के अंदर आपका ये वाला ब्लॉक भी बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद है सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, सभी को सेशन समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक शेयर करें ताकि सभी तक सेशन पहुंचे, सभी सेशन का बेनिफिट ले सके, क्योंकि मेरा टारगेट है सभी तक सेशन पहुंचे, सभी बेनिफिट ले सके और सभी सेशन को अच्छी तरीके से पढ़े और अपना एग्जाम अच्छे से दे। बाकी इसी उम्मीद के साथ सेशन को मैं एंड करता हूं ताकि हम आ सके नेक्स्ट सेशन के अंदर। जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन और बीपीसीसीएचएन के रिगार्डेड जो 7 मॉडल है, अगर टेस्ट पेपर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मिशन एजुकेशन पर ही अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्द ही। जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।